आज हम बनाने जा रहे हैं करौंदा मिर्ची। तो यहाँ मैंने करौंदा लिए हैं, ये थोड़े से पके हुए हैं, ज़्यादा कच्चे वाले नहीं है। और जो ज़्यादा कच्चे से आते हैं वो बहुत ही खट्टे होते हैं, तो मुझे ज़्यादा खट्टे पसंद नहीं है। यहाँ लिए मैंने हरी मिर्ची। तो चलिए अब हम आगे की रेसिपी जो बनाना शुरू करते हैं। एक इडली प्लेट ली है, तो इसमें हम क्या करेंगे, भाप में इसको करेंगे थोड़े से करौंदे को। इससे क्या होगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इनको हम लगा लेंगे हर कांचे में इसी तरीके से। ये मैंने प्लेट में सभी में करौंदे को रख लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ मैंने गैस पे चढ़ा दी है कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर डाला है मैंने 2 गिलास पानी। तो पानी को अच्छे से गर्म होता जाएगा हमारा, जैसे जैसे इसके अंदर भाप लगती जाएगी। तो इसको हम रख देते हैं और ढक्कन लगा देंगे ऊपर से। यहाँ हम ढक्कन लगा देंगे करीबन 2 से 3 मिनट के लिए। जब तक लगाएंगे, जब तो ये हल्के से गल से नहीं जाएंगे जब तक, तो यहाँ मैं ढक्कन लगा दूंगी। तो यहाँ हमारे करीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं। ढक्कन को हटा लेते हैं और चेक करते हैं एक बार। ये देखिए काफ़ी सारे वक्त में होने के बाद में चिकने से हो गए हैं। तो ये यानी हमारे अच्छे से हो चुके हैं। ये देखिए दबा रहे हैं हम, तो दब रहे हैं, तो इनको हम निकाल लेते हैं। फिर इसके बाद में हम मिर्ची को भी इसी तरीके से कर लेंगे। यहाँ हमने मिर्ची को भी करीबन 2 मिनट तक इसको भी हमने भाप में ही कर रहा है। ये देखिए तो मिर्ची कुछ इस तरीके की हो गई है भाप में करने से। ये देखिए इससे ज़्यादा हमें नहीं करना है, तो बस इनको भी हम प्लेट से बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमने करौंदे के जो बीज होते हैं ना, वो हमने निकाल दिए, थोड़ा सा इस तरीके का लिया और इसको दबा के हमने इस तरीके से निकाल दिया। तो उबालने से या भाप में करने से ये इजी तरीका है कि इसके बीज होते हैं ना, वो आसानी से निकल जाते हैं। तो मैंने इसी तरीके से सभी के निकाल लिए और इधर मैंने मिर्ची के भी डंठल तोड़ लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी मिर्ची ज़्यादा बड़ी है तो उसको हम बीच में से चाकू की सहायता से कट कर लेंगे इस तरीके से। तो सभी मिर्ची को कट कर लेते हैं। मैंने एक पैन चढ़ा दिया, पैन में डालेंगे हम सरसों का तेल। आप चाहो तो पाइन ऑयल भी ले सकते हो, मैं यहाँ सरसों का ले रही हूँ। तो सरसों के तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे धुआं उठने तक। देखिए सरसों के तेल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया। अब इसको हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच मेथी दाना, आधी छोटी चम्मच डालेंगे यहाँ पर हम अजवाइन, और आधी छोटी चम्मच डालेंगे यहाँ पर हम जीरा पाउडर, जीरा पाउडर भी डालेंगे। और इसी के साथ ही डाल देते हैं यहाँ पे हम करौंदा और मिर्ची। तो यहाँ हम अच्छे से चला लेते हैं मिर्ची को और करौंदे को। तो यहाँ हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है करौंदा और मिर्ची को। अब हम क्या करेंगे, यहाँ डाल देते हैं हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर, और एक बड़ी चम्मच करीबन लिया है हमने राई, 2 बड़ी चम्मच लिया है यहाँ पर मैंने सौंफ पाउडर। अच्छे से मिला लेते हैं मसाले को, हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब डालेंगे यहाँ पर काला नमक। काला नमक से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और इसी के साथ ही डालेंगे यहाँ पर हम नॉर्मल वाला नमक, और नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। तो नमक को भी अच्छे से मिला लेते हैं। तो यहाँ हमने देखिए नमक को अच्छे से मिला, यहाँ हम 10 से 15 सेकंड के लिए हम ढक्कन लगा देंगे। तो यहाँ हमारे 10 सेकंड हो गए, ढक्कन को उठा लेते हैं और एक बार और हम चला लेते हैं। तो लीजिए हमारे करौंदे मिर्ची की रेसिपी है जो बनकर तैयार है। अगर आपको करौंदे मिर्ची की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि करौंदे मिर्ची की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो अपने घर से बनाइए, खाइए, आनंद उठाइए।